दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबको क्रश करने में लगी है। सुनीता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया है और वो सबको कुचलने में लगे हुए। सुनीता ने कहा, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहे या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। इधर अपनी गिरफ्तारी पर सीएम अरविंद केजरीवाल का भी पहला रिएक्शन सामने आया। उन्हें जब पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। अरविंद सर, कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर, देश के लिए काम करूंगा। बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम 21 मार्च की शाम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी। करीब 2 घंटे की पूछताछ और आवास पर तलाशी के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल मामले पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जहां कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला है। देश में जो माहौल चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, जो एजेंसीज हैं उनको एक टूल की तरह, एक औजार की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी विपक्ष का नेता, कोई भी विपक्ष का कोई लीडर अगर बीजेपी के जुल्म जबर के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पे ईडी आती है, उसके घर पे सीबीआई आती है, इनकम टैक्स आती है। और ये अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी की तरह देश के हालात हो गए हैं। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी वाले हालात हो जाएंगे, तो आज हालात वही हैं। गवर्नर, जहां इनकी सरकार नहीं है वहां गवर्नर के जरिए, राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूं। एक केरला के मुख्यमंत्री अभी जंतर मंत्र पर आके गए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने गवर्नर से तंग है, उनका गवर्नर भाषण ही नहीं पढ़ता उनका लिखा हुआ, विधानसभा में जो पढ़ना होता है बजट सेशन में। ममता दीदी को हर रोज तंग किया जा रहा है, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब को जब भी कोई काम करते हैं एलजी टांग अड़ाता बीच में, सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार चलानी पड़ रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देश में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दल के सभी नेता एक सुर में केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जता रहे हैं। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।